भौतिक पुण्य और पाप में मत फंसना, क्योंकि भौतिक पुण्य और पाप दोनों ही दंड है। क्या है? दंड। अभी देखा भंडारे होते हैं, अभी नवरात्रि में भंडारे हो रहे थे, रामनवमी पे भंडारे होते हैं, अभी एकादशी आएगी निर्जला, तो फिर जल पिलाएंगे। व्यक्ति कह रहा है मुझे जल नहीं पीना है, मैं निर्जल हूं। कह रहे ले हम तुझे जलाएंगे जल से, पी जल, आओ रोक रोक के लो, जल पियो जल पियो। जब उसने निर्जला का व्रत लिया है तो तुम जल क्यों दे रहे हो? नियम में है एकादशी में जल वितरण नहीं किया जाता, द्वादशी में जल दिया जाता है जब व्यक्ति को जरूरत होती है, क्योंकि भक्त प्यासा होगा ना, उसने निर्जल व्रत रखा, उस टाइम जल देंगे तब कृपा मिलेगी। और लोग पूरी दुनिया उस दिन जल बांटती है जिस दिन व्यक्ति व्रत रखा हो, ताकि इसका व्रत टूट जाए, इसको लालच आ जाए, ये प्यासा हो, तड़प रहा हो और पानी पिला दूं अभी, तो आपने उसकी फायदा किया नुकसान किया। तो इसी तरह पाप और पुण्य दोनों ही दंड हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ना धर्म न अधर्म श्रुतिगण नृत्य किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर प्रचिराम तनु। अगर तुम्हें राधा कृष्ण का व्रज क्षेत्र प्राप्त करना है तो न धर्म करो ना अधर्म करो, धर्म भी नहीं करना, धार्मिक कार्यों में नहीं लगना है, बचाना चाहिए अपने को धार्मिक कार्यों से। तो कौन सा काम करें? बोले भक्ति में कार्य करो। कौन सा है? बोले श्रवताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण और कीर्तन। बैठ जाओ निर्जला एकादशी में, श्रवण करो, कीर्तन करो, बोलो सुनो, बोलो सुनो, डिस्कशंस करो। पानी का भंडार लगाने की जरूरत नहीं है, अगले दिन लगाओ द्वादशी के दिन। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेमचंद्र का, प्रेम भक्ति चंद्र का पुस्तक से एक सुंदर भजन बोल रहे हैं, पाप ना करी हो मन उधम से पापी जन, तारे मुई दूरा परे हरी, पुण्य जे सुखेर धाम तारे न लहियो नाम, पाप पुण्य दुई त्याग करी, पाप पुण्य दुई त्याग करी। दोनों का त्याग कर देना चाहिए, पाप का भी और पुण्य का। बोले पाप का कैसे समझ में आता है, नरक में जाके दंड मिलेंगे, लेकिन पुण्य में कैसे दंड मिलेंगे? स्वर्ग में दंड थोड़ी मिलता है, स्वर्ग में तो भोग करने को मिलता है। उसका उदाहरण भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अगर गुलाब जामुन बने हैं बढ़िया से और आज एकादशी है और अन्न के गुलाब जामुन आप खा नहीं सकते, तो आपके मन में कितनी वो लालसा आती है। जैसे वसुदेव जी में नारद जी की उपासना की लालसा थी, भक्त में भोजन खाने की लालसा उत्पन्न होती है कि कब पारण का काल आएगा। तीन चार बार मैसेज भेज देता है, प्रभु जी पारण का कंफर्म कर दीजिए, 6:05 है कि 6:02 है, उसे 3 मिनट का भी नहीं बर्दाश्त होता कि भाई 6:05 पे 3 मिनट दोपहर का आना था उसको। तो गुलाब जामुन न खाने को मिला तो ये दंड है उसके लिए, उसके लिए दंड है। और खाने को जब मिल जाए तो कितने खाएगा व्यक्ति? 2, 3, 4। 1 किलो गुलाब जामुन आपके आगे रख दिया जाए और कहा जाए जब तक खत्म नहीं कर दोगे उठने नहीं दिया जाएगा, तो सोचिए वो दंड है कि नहीं। तो स्वर्ग में भोग इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि जीवात्मा निकृष्ट हो जाती है पूरी। शिन्ने पुण्यम मृत्यु लोकम विसंति, वापिस मृत्यु लोक में आना। तो इसलिए वो कह रहे पुण्य जे सुखेर धाम, लगेगा तो बहुत अच्छा स्वर्ग जाऊंगा, लिखते ना स्वर्गवासी हो गए, पुण्य जे सुखेर धाम तारन लहियो नाम, पाप पुण्य दुई त्याग करी। दोनों का त्याग करना चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल है। पाप से तो बच सकते हो, पुण्य से नहीं बचा जाता। भारतीय लोगों की मानसिकता ऐसी है, कहीं ना कहीं पुण्य में हाथ लगाई देते हैं, पुण्य में हाथ लगा दे तो क्या होगा? पाप पुण्य, बोले दोनों का त्याग करना। फिर क्या करना है? बोले श्रवणम पुण्यम श्रवणम कीर्तनम, हरि कथा की रुचि उत्पन्न करो, हरि कथा सुनो, भक्तों की सेवा करो, हरि नाम लो, भक्तों का उच्चिष्ट पाओ, भक्तों के उपदेश भी उच्चिष्ट के रूप में है, भक्तों के उपदेश उनके उच्चिष्ट है, उनके उपदेश सुनो। श्रील प्रभुपाद जी का यह ग्रंथ पढ़ना, ये क्या है? प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो क्या कहा कि मैंने तुम्हें गीता सुना दी है, यथा इच्छा सी तथा। तो उसने क्या कहा? बोले नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात्मयी अच्युता, तुम्हारे प्रसाद से मेरा नष्ट मोह हो गया है और मेरी स्मृति वापिस आ गई। कौन सा प्रसाद दिया था? लड्डू का कि खीर का? हाँ गीता सुनाई थी, लेकिन हम लोग भागवत क्लास से उठकर चले जाते कौन से प्रसाद के लिए? कह रहे यार क्लास तो लंबी हो रही, छोड़ना, ऊपर प्रसाद खाएंगे, आगे और भी काम पड़े, ये तो बोलते रहेंगे आगे, इनका तो काम ही बोल रहे।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.